आप लोगों को एमएस वर्ड में एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैसे क्रिएट करते हैं। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारा जो भी वीडियो बनेगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए जो है पहुँच जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिए और यहाँ पर डॉट जो है आप लोग एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिएगा, चाहे 2007 वर्जन हो, चाहे 16, चाहे यहाँ पर 13, कोई भी वर्जन हो आप लोग एमएस वर्ड को ओपन करके यहाँ पर आप लोग जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए आप लोग डिजाइन में आ जाएंगे और यहाँ से पेज बॉर्डर को क्लिक करना है और इसमें से जो भी आप लोगों को बॉर्डर पसंद आ रहा है यहाँ क्या करना है, क्लिक करके यहाँ से एक्टिव कर लेना। तो ये आप लोगों का बॉर्डर आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है तो कंट्रोल ई से क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर रूलर एरिया को थोड़ा से यहाँ से अप कर लेंगे इस तरीके से कुछ, और यहाँ पर टाइप करके आप अपने जो है जिस चीज का बनाना चाहते हैं यहाँ पर नाम जो है टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूट यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ। यूपी कोष्टक बंद यहाँ पर टाइप करने के बाद और इंटर करेंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिख देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म इतना टाइप करना आप लोगों को। इसके बाद आप लोग इसको जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा और होम मेन्यू में जाना है और यहाँ से आप लोग जो है रिमूव जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका स्पेसिंग जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। स्पेस जो लाइन में था आप लोगों का स्पेस लाइन यहाँ से कम हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद ध्यान रखना है, बोल्ड करने के बाद इसकी जो साइज है और आप लोग जो है बढ़ा सकते हैं यहाँ से है कुछ इस प्रकार से। साइज बढ़ाने के लिए आप लोगों को फॉन्ट जो है यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो भी फॉन्ट आप लोगों को यूज करना है यहाँ से क्लिक करके। और फॉन्ट में आप लोग जो भी फॉन्ट यहाँ से यूज करना चाहते हैं वह फॉन्ट यहाँ से आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर फॉर्म को हम यूज कर लिए हैं और यहाँ पर एक फोटो बना दे रहे हैं, तो फोटो लगाने वाला। तो आप लोग इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर सेट की मदद से आप लोग एक फोटो को यहाँ पर जनरेट कर लेंगे यहाँ कुछ इस प्रकार से। इसको ड्रैग करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेगा फॉर्मेट में और यहाँ से नो फिल कर लीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर आउटलाइन जो है आप लोग जो है ब्लैक कर लेंगे और इसकी जो आउटलाइन विड्थ करके यहाँ से थोड़ी सी जो साइज यहाँ पर बड़ा कर लेंगे तो आप लोगों को फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर जो भी आप लोग लोगो लगाना चाहते हैं यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ सेव पर क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग कर दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में आप लोग चले जाइएगा। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद आपको यहाँ पर फिल मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल में जाइएगा और यहाँ पर आप लोगों का जो भी लोगो होगा यहाँ पर जो भी जनरेट करना होगा यहाँ से क्या करेंगे सेलेक्ट करके जनरेट कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर कोई एक लोगो दे दे रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए ये वाला हम जो है इमेज एक सेलेक्ट करके इंसर्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दिए, ये आपका लोगो हो गया यहाँ पर बना दे रहे हैं आप लोगों को। इतना करने के बाद यहाँ पर एंटर करिएगा और यहाँ पर नीचे जो है टाइप करना आप लोगों को है। तो यहाँ पर आप लोग जो है होम में आना है, आप लोगों को यह लेफ्ट जो है यहाँ पर कंट्रोल प्लस एल कर लेंगे तो आपको लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर एंटर करने के बाद आप लोग जो है नेम टाइप करना है, तो मैं नेम टाइप कर दे रहा हूँ नेम ऑफ कोर्स। ओके, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाना है और बोल्ड वाला ऑप्शन को हटा देना है। बोल्ड वाले ऑप्शन को हटाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ। और बोल्ड वाले ऑप्शन को हटाने के बाद आप लोग शिफ्ट दबा करके कुछ इस प्रकार से माइनस वाला बटन दबाना है आप लोगों को है। और यहाँ पर जो भी आप लोगों का यूज करना रहेगा टाइप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं
बेसिक कॉमा एडवांस। फिनिश के बाद कॉमा। यहाँ पर कोष्टक में जो भी आप लोग और भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दे रहा हूँ कॉम्बो बेसिक और प्लस एडवांस। इतना करने के बाद कोष्टक बंद कर लेंगे और इसकी जो थोड़ा सा साइज है आप लोग क्या करना है कम कर देना है। ओके, ये आपका साइज जो है कम हो गया है, यहाँ पर इतना आप लोगों को काम करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप लोगों को नेम ऑफ कोर्स में मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर टाइप करना है नेम ऑफ एप्लीकेंट और यहाँ पर शिफ्ट दबा करके माइनस का यूज करना है कुछ इस प्रकार से। जितना भी आप लोग बड़ा देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं, तो मैं कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा दे दे रहा हूँ और एंटर कर दे रहा हूँ। फिर से आप लोगों को टाइप करना है नेम ऑफ पेरेंट पेरेंट्स ऑब्लिक गार्जियन। गार्जियन शिफ्ट दबा करके फिर भी आप लोगों को इस तरीके से माइनस का यूज करना है और एक सीध में होना चाहिए और इंटर करना है। ओके, आप लोगों को यूज करना है एड्रेस और इसको जो है दो लाइन में कर लीजिएगा आप लोग एड्रेस को। एड्रेस थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। एंटर करना है, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यूज करना है, डेट ऑफ बर्थ। ओके, और डेट ऑफ बर्थ में आप लोग जो है टेबल जो है जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ से इंसर्ट इंसर्ट में जाना है, आप लोगों को टेबल यूज करना है। यहाँ पर आप दो दो चार, यहाँ पर चार चार आठ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर दो दो चार दो छः इस तरीके से आप लोग यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करना है और छोड़ देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको जो है छोटा कुछ इस प्रकार से कर देना है। छोटा करने के बाद यहाँ पर आप लोग एक मूव का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको जो है मूव करा करके यहाँ पर रख देंगे। ओके, और यहाँ पर एंटर करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर रिलेशन लिख देना है और यहाँ पर डैश दे करके यूज कर लेना है कुछ इस प्रकार से। फिर से एंटर करना है और यहाँ पर कास्ट लिख देना है कास्ट। अब यहाँ पर कास्ट में आप लोग इस तरीके से डैश दे करके यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जेंडर, सॉरी जनरल। और आप लोग जो है स्पेस यूज कर सकते हैं, यहाँ पर टैब यूज कर लीजिएगा, फिर ओबीसी, फिर टैब एसटी, फिन टाइप एस सी, फिन टाइप और अदर यहाँ पे यूज कर सकते हैं या EWS इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर करने के बाद फिर से इंटर करेंगे और यहाँ पर यूज करना है सेक्स। इसके बाद फिर से आप लोगों को टाइप देना है कुछ इस प्रकार से, टाइप देना है और यहाँ पर लिखना है मेल। फिर टाइप आप लोगों को देना है और यहां पर लिखना है फीमेल और यहां पर टाइप दे करके अदर अदर इतना हो गया। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है और आप लोग एक शेप का यूज कर सकते हैं। यह शेप आप लोग जो है यहां पर ड्रैग करके कुछ इस प्रकार से छोड़ना है आप लोगों को। और यहां पर आप लोग जो है फिल वाले ऑप्शन में जो है नो फिल कर लेंगे, यहां से आउटलाइन को क्लिक करना है। तो आप लोगों जो है इस प्रकार से यहाँ पर जनरेट होकर के एक यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन। और इसको क्या करना है ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ जूम और यहाँ पर कंट्रोल दबा करके आप लोगों को कुछ जो है इस प्रकार से ड्रैग करना है। कंट्रोल दबा करके आप लोगों को यूज करना, ध्यान रखिएगा
और इसमें जो है आप लोगों को ट्रिक वाला ऑप्शन जो है यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पर इसका यूज कर दे रहा हूँ अदर में भी, और इसके बाद फीमेल यहाँ पर दो आ गया, हटा दे रहा हूँ, एक ऑप्शन को हटा दिया यहाँ पर। और यहाँ से जो है यूज करना है आपको फीमेल, इसको थोड़ा सा जो है नीचे कर लीजिएगा आप लोग। फिर से यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है और इसको जो मूव करा लेना है मेल पर, और एक अभी यहाँ पर करना है जनरल, इतना आप लोगों को काम करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नेशनलिटी लिखना है, नेशनल, इसको आप लोग जो है इस्तेमाल में अगर करना चाहते हैं फर्स्ट वाला कैपिटल तो शिफ्ट दबा करके यहाँ पर यूज आप लोग कर सकते हैं, ओके। और इसको जो है डैश दे करके कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग स्टेट लिख सकते हैं थोड़ा से, फिर से आप लोग शिफ्ट दबा करके यहाँ पर शिफ्ट दबा करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टैब दे करके मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट लिख दे रहा हूँ, और फिर से यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, या आपको जो इतना स्पेस बच रहा है आपको शिफ्ट दबा करके माइनस का यूज करना है, ध्यान रखिएगा शिफ्ट दबा करके माइनस का बटन का यूज करना है, तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, एंटर करके नीचे आ जाएंगे, ओके। अब यहाँ पर लिखना है नीचे मदर टोंगल, कैपिटल टी कर दे रहे हैं, ओके। इतना करने के बाद आप लोगों को फिर से क्या करना है, स्पेस देना उसी तरीके से। मैं यहां पर शिफ्ट दबा करके यूज कर ले रहा हूं, एंटर कर दे रहा हूं, और फिर से नीचे कर दे रहा हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन शिफ्ट दबा करके आप लोग जो है और थोड़ा से आगे बढ़कर ये यहाँ पर एक स्पेस कम कर लीजिएगा, एंटर करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखना है तो एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, और शिफ्ट दबा करके जो है माइनस का यूज करना है, ध्यान रखना है अगर ज़्यादा हो जाएगा तो शिफ्ट से कम कर, बैक स्पेस से कम कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को हॉबी लिखना है, डैश यहां पर इंट्रैक्ट स्पेस दबा करके शिफ्ट दबा के यहां पर यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग जो है कंप्यूटर नॉलेज लिखना चाहते हैं तो यहां पर यस या नो कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं कंप्यूटर नॉलेज, और यहाँ पर आप लोग टैब का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर यस लिख सकते हैं, यस और टैब का और यहाँ पर नो, ओके। अब यही वाला जो बनाया गया है कंट्रोल दबा करके आप लोगों को क्या करना है, ड्रैग करना है कुछ इस प्रकार से है, फिर से कंट्रोल दबा करके यहाँ पर यूज करना है, यह आपका जो है यहाँ पर गलत हो गया है, अब यहां पर आप लोगों को नीचे करना है इस तरीके से, और यहां पर टाइप करना है डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट एंड पेरेंट्स और गार्जियन। इसको ध्यान रखिएगा, यह वाला जो है इसको क्या करना है, सेलेक्ट करके यहां से बोल्ड कर लेंगे, यह वाला थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, ध्यान रखना है, और यहां पर इंटर मार के आप लोग नीचे लिख दीजिएगा
नॉलेज, और ध्यान में करना है इसको जो है सेलेक्ट करके आप लोग बोल्ड को हटा लेंगे यहां से। बोल्ड को आप लोगों को क्या करना है, हटाना, बोल्ड में नहीं लिखना है, ध्यान रखना है आप लोगों को। आई डैश इस तरीके से दे देंगे आप लोग, डैश फिनिश के बाद आगे लिखना है आप लोगों को है। ए बी रे बाई द रूल एंड रेशंस रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम, डैश देकर के एंटर करना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अभी देखना है कि जगह जो आप लोगों को है इतना बचा हुआ है, ध्यान रखना है। अब यहां पर आप लोगों को टाइप करना है सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट पब्लिक गार्जियन। इतना करने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज को, और अभी और टाइप करना है तो यहां पर मैं सिग्नेचर को जो है कॉपी कर लेता हूं, सिग्नेचर आपको यहां पर। तो इतना जो है कॉपी करने के बाद यहां पर बैक में क्लिक करना है और टैब का इस्तेमाल इस तरीके से करना है, और यहां पर पेस्ट करके आप लोग जो है एप्लीकेबल लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप लोग मोबाइल नंबर दे दीजिएगा शिफ्ट दबा के कुछ इस प्रकार से, आगे वाले भी टैब में इसी तरीके से देना है मोबाइल नंबर, एंटर करिएगा और मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। ईमेल आईडी को बढ़ाना चाहते हैं आप लोग बढ़ा सकते हैं, टाइप मार के ईमेल आईडी। इंटर, आप यहां पर प्लेस लिख सकते हैं, प्लस डैश दे करके इस तरीके से इंटर। ध्यान में रखिएगा अब यह देखिए दो पार्ट में आपका आ गया, तो इसको जो है अभी आप लोगों को एडजस्ट करना है तो कंट्रोल ए कर लीजिएगा आप लोग, क्या करना है कंट्रोल ए, और इसकी जो साइज है आप लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे, ध्यान रखना है। कम करने के बाद आपकी जो स्पेस जो है यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा अभी सेंटर में, ऑफिस यूज ओनली, ओके, और इसको सेंटर में आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर लिखना है, टाइप करना आप लोगों को है कंट्रोल ई बटन, यहां पर प्रयोग कर लेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा आप लोगों का नेम ऑफ एप्लीकेबल एप्लीकेंट। आइए यहां पर डैश आप लोग दे सकते हैं, डैश देने के बाद आप लोगों को डेट आप यहां पर लिख देना है, डेट ऑफ एडमिशन, और इसके बाद यहां पर लिखना है सिग्नेचर, कुछ इस प्रकार से इसको दे देना है। फिर यहां पर आप लोगों को यूज करना है सिग्नेचर टैब देकर के यूज करना है, ध्यान रखना है आप लोग।
ये आपका मिस्टेक हो गया यहाँ पर सी। और यहाँ पर आप लोग जो है नीचे यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को CMD, फिन यहाँ पर टाइप करना है कुछ इस प्रकार से, फिन टाइप देकर के यूज करना है CMD, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है ये वाला एरिया थोड़ा सा और बढ़ा लेना है, ये देखेंगे दोनों एक में आ गए हैं यहाँ से, और ये दूसरा पेज आपको इसको करना है क्या डिलीट करना है यहाँ से, तो आप लोग जो है आराम से डिलीट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अभी आपका फिलहाल जो है एक पेज में आपका जनरेट होकर के यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से आप लोगों को एक लाइनिंग लेना है, इंसर्ट में से जाकर के इंसर्ट से आप लोगों को लाइनिंग लेना है और इसको जो है कुछ इस प्रकार से ड्रैग करना है, और इसको जो है ब्लैक आप लोग कर लीजिएगा यहाँ से, ब्लैक ध्यान रखना है। अब ब्लैक करने के बाद आप लोगों को एक और अगर यूज करना होगा तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को कंट्रोल दबा करके इसी तरीके से एक और कर लेंगे, और इस वाली लाइनिंग को जो है थोड़ा सा यहाँ पर विड्थ इसकी जो साइज है यहाँ से बोल्ड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर यह वाला लाइनिंग है ध्यान रखना है, पहली वाली लाइनिंग जो है इसको यहाँ से कम कर लेंगे, विड्थ इसकी जो है यहाँ से कम कर देंगे, और इसको जो है कुछ इस प्रकार से ऊपर थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके एडजस्ट कर लेंगे एरो के माध्यम से, तो कुछ इस प्रकार से जो है आप लोगों का एप्लीकेशन जो है एक फॉर्म जो है क्रिएट आप लोगों का हो जाएगा। अब इसमें जो भी आप लोगों को इसमें स्पेस देकर के बढ़ाना है वो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है एक एक आप लोग जो है फॉर्म आप लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को इसमें यह आपका स्पेस जो है यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा कर दे रहा हूँ, ये आपका हो गया। और यहाँ पर आप लोग जो है लोगो भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना फोटो जो ये लगाना है तो फोटो भी लगा सकते हैं इस तरीके से, जो है फॉर्म एक जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर के यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये आपका नेशनलिटी तक हो गया, इसके बाद यहाँ से नेशनलिटी से आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है सिग्नेचर तक, फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर ये बचा था CMD तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करना है शिफ्ट दबा के आप लोग जो है कैप्टन में कर लेंगे, ध्यान रखना आप लोगों को ये स्पेस जो है ये आप करेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर एक ऑफिस में यूज होने वाला आप बना सकते हैं यहाँ पर फॉर्म। तो आप लोग जो है फॉर्म एक आप अपने डिजाइनिंग के थ्रू यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं MS वर्ड में, और बहुत बेहतरीन आप लोगों का यहाँ पर जो है जनरेट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जो लोग नए चैनल पर आए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसा लगा है, आगे जो है शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।